हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मोहित। आई एम अ फाइनल ईयर एमबीए स्टूडेंट एंड ये लास्ट वीडियो है टंग की एनाटॉमी के ऊपर। मतलब लास्ट तो नहीं है, डेवलपमेंट ऑफ टंग भी बनाऊंगा मैं, लेकिन मैं टंग की जो क्लिनिकल एनाटॉमी की जो सीरीज़ है ना, सॉरी टंग की जो सीरीज़ है ना, उसमें ये लास्ट वीडियो है। डेवलपमेंट को हम अलग रखेंगे, एक तरह से एम्ब्रियोजेनेसिस वाला पार्ट हो गया ना वो। तो टंग की क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करते हैं इस वीडियो में। तो टोटल तीन मेन पॉइंट्स हमें कवर करने हैं इसमें। एक है टंग का कैंसर, एक है सबलिंगुअल ड्रग्स जो हम देते हैं, चेस्ट पेन होता है जब एंजाइना पेक्टोरिस जिसको बोलते हैं, और एक है जेनियोग्लोसस मसल के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं टंग कैंसर के बारे में। टंग कैंसर इज़ क्वाइट कॉमन। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर टंग कैंसर किसी को हो जाता है तो हम करते क्या है, हम जो अफेक्टेड साइड जो है ना टंग की, जिस साइड का कैंसर है उस साइड को सर्जिकली, टंग की उस साइड को काट के अलग कर देते हैं, अलोंग विद ऑल द डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड। लिम्फ नोड्स के साथ हटाना पड़ता है क्योंकि लिम्फेटिक ड्रेनेज टंग की, हमने आपको, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी, तो लिम्फ नोड्स के थ्रू कैंसर फैल ना जाए तो हमें डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स को भी रिमूव कर देते हैं सारे के सारे। उसके अलावा कार्सिनोमा जो है पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग का ज़्यादा डेंजरस है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग था वो यूनिलेटरली ड्रेन कर रहा था, उसका लिम्फेटिक ड्रेनेज यूनिलेटरल था एंटीरियर 2/3 का। पोस्टीरियर 1/3 का जो लिम्फेटिक ड्रेनेज था वो बायलेटरल था, मतलब राइट साइड का जो पोस्टीरियर 1/3 वाला पार्ट है वो दोनों तरफ के लिम्फ नोड्स में ड्रेन करेगा, राइट तरफ के लिम्फ नोड में भी ड्रेन करेगा, लेफ्ट में भी ड्रेन करेगा। तो जो पोस्टीरियर 1/3 का जो कार्सिनोमा है उसका फैलने का चांस ज़्यादा होता है, इसलिए वो ज़्यादा डेंजरस है। और मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि अफेक्टेड साइड को हम रिमूव करते हैं, लेकिन लिम्फ नोड तो हमने दोनों तरफ के रिमूव कर दिए। मैंने लिखा है ना ऑल डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, तो सारे लिम्फ नोड इसलिए हटाने पड़ते हैं कि क्योंकि ड्रेनेज जो है वो बायलेटरल होता है पोस्टीरियर 1/3 का, और ज़्यादातर कॉमन पोस्टीरियर 1/3 ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें सबलिंगुअल ड्रग जो देते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस एक डिजीज है जिसमें चेस्ट पेन होता है, उसको हम एंजाइना बोलते हैं, चेस्ट पेन को एंजाइना बोलते हैं बेसिकली। तो जो सबलिंगुअल ड्रग जब हम उसमें देते हैं तो उसमें हम सोर्बिट्रेट वगैरह देते हैं, ठीक है, ये हम सबलिंगुअली देते हैं, मतलब पेशेंट को बोलते हैं कि अपनी जीभ के नीचे रख लो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारे पास डीप लिंगुअल वेन, और इमीडिएट रिलीफ मिल जाएगा अगर हम उसको सबलिंगुअल देंगे तो। क्योंकि अगर हम उसको ओरली देंगे तो उसको पहले वो जाएगी इंटेस्टाइन में, फिर एब्जॉर्ब होगी, फिर पोर्टल सर्कुलेशन में जाएगी, तो इस तरह से बहुत लंबा प्रोसेस है। लेकिन सबलिंगुअल दे देंगे तो डायरेक्ट वो हमारी सबलिंगुअल, सॉरी डीप लिंगुअल वेन के थ्रू हमारे ब्लड में पहुंच जाएगा और बहुत ही जल्दी उसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। इट इज़ एब्जॉर्ब फास्ट ड्यू टू रिच ब्लड सप्लाई ऑफ टंग। टंग की ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा रिच है। उसके अलावा ये बायपास कर देगा पोर्टल सर्कुलेशन को भी, अगर हम उसमें देंगे तो ये पोर्टल सर्कुलेशन को भी बायपास कर देगा। नेक्स्ट बात करें जीनियोग्लोसस मसल के बारे में, तो जीनियोग्लोसस मसल को हम सेफ्टी मसल ऑफ टंग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सेफ्टी मसल? इसलिए बोलते हैं क्योंकि यही एक मसल है जो टंग को प्रोट्रूड करने में मदद करते हैं, टंग को बाहर निकालने में मदद करने वाली मसल सिर्फ यही है जीनियोग्लोसस। और अगर ये वाली मसल पैरालाइज होगी ना तो टंग अंदर की तरफ ओरोफेरिंग्स पे जाके गिर जाएगी और एयर पैसेज को ब्लॉक कर देगी और इंसान मर सकता है। इसलिए इसका जो प्रोट्रूजन वाला काम है ये बहुत ज़रूरी है। इस वजह से ही आदमी, मतलब एक तरह से एयर पैसेज हमारा खुला रहता है, इसी वजह से इसलिए वो सेफ्टी मसल भी बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं जब हम एनेस्थीशिया देते हैं, मान लो जनरल एनेस्थीशिया दे रहे हैं, तो तब भी तो ये मसल की जो नर्व है वो काम नहीं करेगी, तो ये मसल जाके पीछे गिर जाएगी और एयर पैसेज को रोक सकती है। तो एनेस्थीशिया के टाइम पे हम क्या करते हैं, टंग को आगे की तरफ खींच के रखते हैं ताकि एयर पैसेज जो है वो क्लियर रहे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जेनियोग्लोसस के बारे में बताऊं, यही एक मसल है जो टंग को आगे की तरफ लेके आ रही है, मतलब बाहर लेके आ रही है, ठीक है। तो इसको हम हाइपोग्लोसल नर्व की इंटीग्रिटी चेक करने के लिए भी यूज़ करते हैं। देखो हाइपोग्लोसल नर्व हमारी मोटर नर्व, मतलब मोटर नर्व है, मसल्स को सप्लाई करती है पैलेटोग्लोसस को छोड़ के। तो अगर हमें देखना है कि हाइपोग्लोसल नर्व किसी की सही है या नहीं है तो हम कैसे देखेंगे, हम ये थोड़ी बोलेंगे जीभ को अंदर डाल। मेन हम क्या करते हैं, हम कोई भी डॉक्टर क्या बोलता है, जीभ बाहर निकालो। तो जीभ बाहर निकालने से हमें उसकी भी इंटीग्रिटी चेक करने को मिल जाती है, मतलब टेस्ट करने को मिल जाती है हाइपोग्लोसल नर्व की। तो अगर मान लो किसी की हाइपोग्लोसल नर्व पैरालाइज होगी तो क्या होगा, तो उसकी जो टंग है वो बाहर तो आएगी लेकिन जो जिस साइड की नर्व पैरालाइज है उसी साइड में वो गिर जाएगी बाहर आके। तो हाइपोग्लोसल नर्व ऑफ राइट साइड मान लो पैरालाइज होगी, राइट साइड की हाइपोग्लोसल पैरालाइज होगी है, तो टंग जब हम बाहर निकालेंगे ना, टंग को जब वो प्रोट्रूड करेगा तो राइट साइड में ही टंग डेविएट कर जाएगी। मतलब ये वाली डायग्राम से आपको समझ आएगा, ये राइट साइड है ये लेफ्ट साइड है। तो इस पेशेंट की टंग जब इसने बाहर निकाली तो राइट साइड में इस तरह से चली गई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो जीनियोग्लोसस मसल है राइट साइड की वो इफेक्ट हो गई है और लेफ्ट साइड की जीनियोग्लोसस तो काम कर रही है। तो जब टंग बाहर निकालेगा ना बंदा तो लेफ्ट साइड की जो जीनियोग्लोसस है वो उस साइड का जो बेस है ना टंग का उसको अपनी तरफ खींच लेगा, लेकिन जो एपेक्स है उसको नहीं खींचेगा, तो एपेक्स चला जाएगा राइट साइड में जाके गिर जाएगा। तो इसलिए किस लिए हुआ ऐसा,
नॉर्मल जीनियोग्लोसेस ऑफ लेफ्ट साइड विल पुल द बेस टू द लेफ्ट साइड। बेस ऑफ द टंग को लेफ्ट साइड में तो खींच लिया नॉर्मल जीनियोग्लोसेस ने, लेकिन एपेक्स को नहीं खींच पाई, तो एपेक्स कहाँ चला जाएगा? एपेक्स राइट साइड में चला जाएगा, और एपेक्स और बेस दोनों अपोजिट में मिलेंगे। एपेक्स ये रहा, बेस यहाँ पे, तो एपेक्स और बेस दोनों अपोजिट साइड में देखने को मिलेंगे। तो ये हमने बात की यहाँ पे क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द टंग के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। Today's gonna be a good day.